डायरी एंट्री इज अ काइंड ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट. ऑन पेज नंबर 130 टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज डायरी एंट्री. सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, जिसमें हम अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस लिखते हैं, हम उसमें हम जर्नल करते हैं. जर्नल करना मतलब लिखना अपने बात को कि जो भी हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है. जर्नल एंट्री इज अ काइंड ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट, ये हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम हमारे साथ जो भी हुआ है इंसिडेंट, हम उसके बारे में वी हैव टू राइट. इट रिकॉर्ड्स एन इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ अ डे ऑफ हिज और हर लाइफ. वो हमारे इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ डायरी. इंडिविजुअल का मतलब होता है एक का अकाउंट, इंडिविजुअल, वन इज इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ अ डे आज के बारे में. जैसे मैंने आपको डायरी एंट्री लिखने की दी कि आज आपका फर्स्ट, आपका स्कूल में फर्स्ट डे था तो कैसा गया, या आज आपका बर्थडे था तो वो कैसा गया, आप नरेट करिए. आप अपनी उसमें एक डायरी बनी हुई है, आप उसमें लिख रहे हैं. एक एग्जाम्पल लेंगे, जब हमें डायरी एंट्री करनी है तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं, जो कि हैं द डायरी इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन एंड नॉट इन द पास्ट टेंस. फर्स्ट पर्सन मतलब ये काम जैसे हुआ है, ठीक है. जैसे आई वोक अप एट 6 o'clock, वी हैड अ ब्रेकफास्ट. ये नहीं कि मैंने खाया था, ऐसा किया था, इसको प्रेजेंट में लिखना है, फर्स्ट पर्सन में, कि मैंने आई फर्स्ट पर्सन होता है मतलब कि मैंने ये किया, आई हैव डन इट, ठीक है. द राइटर मस्ट बी ऑनेस्ट इन एक्सप्रेसिंग, जो भी आपके मन में हो. ये नहीं है कि आप फील आपने कुछ किया था और लिख आप कुछ रहे हैं, जो भी आपने फील किया था वही आपको एक्सप्रेस करना है उसमें, ठीक है. ऑनेस्ट रहना है आपको अपनी डायरी राइटिंग में. इट मे बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, वो पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए. व्हेन पैराग्राफ पता है ना, 3-4 lines, जैसे 5 lines लिख के फिर एक पैराग्राफ, ठीक है. व्हेन यू फिनिश यू शुड कंक्लूड बाय राइटिंग योर फर्स्ट नेम, और जब आप खत्म करेंगे वहां पे आपको बस एक अपना नेम का फर्स्ट नेम का अपना लिखना है. अपने आपको सरनेम नहीं लिखना है आपको, ठीक है, सिर्फ इनिशियल्स लिखने. हाउ टू राइट इन डायरी एंट्री, हाउ टू राइट अ डायरी एंट्री, कैसे लिखेंगे, डे लिखेंगे, ठीक है. डे मतलब हो गया जैसे आज है November 29, 2021, मंडे, व्हाट्स द टाइम, 11:41 PM, दैट्स इट. उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे, उसके बाद हम एक लाइन लीव करेंगे, लिखेंगे डियर डायरी, फिर एक लाइन लीव करेंगे, आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, वी हैड ब्रेकफास्ट एंड ड्रेस्ड अप, टुडे वी ऑल वेंट टू फैंटास्टिक अम्यूजमेंट पार्क नियर माई होम, वी स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 7 o'clock, एज सून एज वी रीच्ड होम देयर. वो बता रहे हैं कि मैं 6 बजे उठा, उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, ड्रेसअप हुआ, हम एक फैंटास्टिक अम्यूजमेंट पार्क गए. अम्यूजमेंट पार्क का होता है जैसे हमारा फन सिटी हो गया, जो उनके घर के पास था. वी स्टार्टेड फ्रॉम होम, हम घर से शुरू करा 7 o'clock से. एज सून एज वी रीच देयर वी बुक द टिकट्स, वी बॉट द टिकट्स एंड गॉट इनसाइड, हमने टिकट्स वहाँ परचेज करे और हम अंदर चले गए. आई वॉज थ्रिल्ड मतलब हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी द राइड्स, और मैं राइड्स देख के बहुत ही एक्साइटेड हो गया. माई पेरेंट्स एंड ब्रदर लाइक द थीम राइड्स, और मेरे पेरेंट्स और ब्रदर ने मेरी थीम राइड्स बड़ी पसंद करी. माई फेवरेट राइड्स वर वाटर स्प्लैश, कैटरपिलर राइड, वेव पूल एंड पायरेट शिप, और ये चीज़ें मेरे उसमें थी. आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स वी हैड लंच, और कपल ऑफ आवर्स के बाद हमने लंच करा. कपल ऑफ आवर्स मतलब कपल मतलब दो, कपल में दो होते हैं ना, दो पर्सन जैसे, तो 2 घंटे के बाद हमने लंच करा. आफ्टर लंच माई ब्रदर एंड आई हैड अ स्केरियस्ट राइड ऑफ द स्पेस सन, और मेरे और ब्रदर ने क्या करा, सबसे स्केरियस्ट मतलब डरावनी, हॉरर, फुल ऑफ हॉरर एंड एक्साइटमेंट, हमारी फुल ऑफ फियर, हमारी क्या थी, राइड थी किस पे, स्पेस गन में. वी केम बैक एट 9 PM, हम कितने बजे वापस आए, 9 PM हम वापस आए. इट वॉज रियली अ जॉयस एक्सपीरियंस फॉर मी, वो मेरे लिए इतना ज़्यादा जॉयफुल, एक्साइटेड, हैप्पीएस्ट मोमेंट था. आई विल गो ऑन अनदर ट्रिप सून, और मैं जल्द ही एक दूसरी ट्रिप पे जाऊँ, ठीक है. 131 सैम्पल टू डायरी एंट्री ऑफ चैप्टर नंबर 30, March 8, 2021, Tuesday 9:30 PM, Dear Diary, I am totally disheartened today. आज मैं बड़ा ही दुखी हूँ.
While coming from the school, I saw a group of people cutting down trees. मैं जब स्कूल से घर आ रहा था वो जब मैं फ्रॉम स्कूल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था मैंने देखा कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कुछ लोग कुछ ग्रुप पीपल का लोगों का कटिंग डाउन ट्रीज वो ट्रीज कट कर रहे थे आई आस्क्ड देम अबाउट इट एंड दे रिप्लाइड दैट दे वर आस्क्ड टू डू सो बिकॉज अ न्यू रोड वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड जब उसने उनसे पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसा करने के लिए कहा गया है और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्ट होने वाली है I was feeling very annoyed at this and thought how greenery is diminishing by cutting down trees. और मैंने सोचा कि मुझे मैं बड़ा annoyed हुआ बड़ा मुझे गुस्सा आया और मुझे ये लगा कि कैसे धीरे धीरे diminishing मतलब brightness कैसे greenery की मतलब रोशनी घटती जा रही है However, we are destroyed by destroying our environment. How we are, वो कह रहे हैं कैसे देखो हम अपने environment को destroy कर रहे हैं I am planning to grow more and more trees and will ask my friends to do the same. और मैं खुद भी trees grow करूँगा और अपने friends को भी बोलूँगा कि और trees grow करो. Hope that people can realize the value of trees for maintaining a sustainable environment. मैं सोचता हूँ hope that people can realize, लोग ये realize कर सकें the value of trees, trees की value जान सकें for maintaining a sustainable environment. बढ़िया सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अच्छा सा हो सके सस्टेनेबल मतलब जो आरामदायक हो जो आराम से करा जा सकता हो ये दोनों सैम्पल बोथ द सैम्पल्स ऑन पेज नंबर 130 एंड पेज 131 यू हैव टू लर्न एंड राइट इट एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन इन योर कॉपी एंड फ्रॉम दिस ओनली आई विल गिव यू इन योर एग्जाम्स